यहाँ पे जो बालाजी है वो दाढ़ी मूछ वाले हैं, जो पूरे इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं सालासर और जीण माता और खाटू श्याम जी। अभी हम जा रहे हैं सालासर धाम, बालाजी के मंदिर जो पूरे इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। 1811 में इसका निर्माण हुआ है और इसका निर्माण किया था मोहनदास जी ने। और ये मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पे अगर आप सच्चे दिल से कुछ भी प्रार्थना करो तो वो पूरी हो जाती है। तो हम भी बहुत सारी प्रार्थना करने वाले हैं। और हाँ, इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे जो बालाजी है वो दाढ़ी मूछ वाले हैं, क्योंकि इनके जो भक्त मोहनदास जी, उनको जब बालाजी सपने में पहली बार दिखाई दिए थे तो दाढ़ी मूछों में दिखाई दिए थे। उतनी भीड़ तो नहीं लग रही, मंगलवार है ना, आज शायद आगे होगी भीड़ अंदर। तो ये है सालासर बालाजी का एरिया। आज मंगलवार है इसलिए भीड़ देखने को मिलेगी हमें। तो अभी हम सालासर पहुंच चुके हैं, देखते हैं कितनी भीड़ होती है और फिर यहाँ से फटाफट दर्शन करके फिर हमें निकलना है सिक्कर जीण माता जी के लिए। चलो फिर उतरो, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है, धूप काफी ज्यादा पड़ने लग गई है ना। ये है सालासर बालाजी का मेन गेट और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है यहाँ पे। चलो अब अंदर चलते हैं बालाजी के दर्शन करने। अंदर हम पंडित जी से भी बात करेंगे, इस मंदिर के बारे में जानेंगे। और यहाँ से अंदर चलेंगे फिर मोहनदास जी की समाधि आएगी, पहले वहाँ पे उनके दर्शन करेंगे। इस मंदिर में एक अलग सा सुकून मिलता है आके। और ये है यहाँ पे मोहनदास जी की समाधि और ये हमारे दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा। यहाँ से हम अंदर जाएंगे जहाँ सालासर बालाजी की स्थापना हो रखी है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग रही है। दर्शन कर लिए हैं बालाजी के, वहाँ पे वीडियो नहीं बनाने देते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ पर काफी भीड़ है, फिर भी हमने वीडियो बनाया था, अभी देखेंगे आगे। सालासर बालाजी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अब हम यहाँ के मुख्य पुजारी जी से बात करेंगे। सालासर बालाजी महाराज, जो कि सालासर बालाजी के नाम से विश्व विख्यात है, ये हनुमान जी महाराज का साक्षात रूप, हनुमान जी महाराज मूर्ति रूप में यहाँ पे सालासर में विराजमान है। सालासर के इतिहास से मोहनदास जी महाराज का बड़ा रोल है। मोहनदास जी महाराज जो हमारे पूर्वज थे, हनुमान जी महाराज की वो माला जपते थे, उनका मूल मंत्र था सीताराम हनुमान। अभी हमारे मंदिर में अखंड धुना है जो करीब 300 साल से ऊपर हो गए उसको, और वो रात को वहाँ बैठ के जप करते थे सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। उनके जप से प्रसन्न होके मोहनदास जी महाराज, हनुमान जी महाराज साधु के रूप में उनके घर पे भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु महात्मा जी को भिक्षा देने के बाद में मोहनदास जी को हनुमान जी ने बोला कि कुछ मांग ले, तेरे को चाहिए तो उन्होंने हनुमान जी को ही मांग लिया कि आप यहाँ सालासर में रहे। 1811 में ये मूर्ति आसोटा में निकली और वहाँ ठाकुर साहब लेके आए हनुमान जी को, तो मोहनदास जी ने अपने हाथ से हनुमान जी की स्थापना कर ली। यहाँ कोई भी भक्त आता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, हर असंभव काम हनुमान जी महाराज के इस दरबार में होते हैं, आने वाले के भाव से। हमने
सालासर धाम के दर्शन कर लिए। अब हम जा रहे हैं सिक्कर जीर्ण माता जी के, जो कि यहाँ से है 53 किलोमीटर, लेकिन जीर्ण माता का मंदिर है अप्रोक्स 77 किलोमीटर। सिक्कर से थोड़ा आगे है मंदिर, सिक्कर से थोड़ा आगे है। सिक्कर मेरा मायका है, प्लीज मुझे छोड़ देना, दिन हो गया प्लीज। सिक्कर मायका है। और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? वो तो मुंबई है ना? मुंबई है, मैं परसों जा रही हूँ, मैं मुंबई मैं जाऊँगी, मेरी डेट है परसों की। तो चलो अब सिक्कर चलते हैं, उसके बाद में हम जाएंगे खाटू श्याम जी। और आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जीर्ण माता जी और खाटू श्याम जी का व्लॉग हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।